हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 4 मैथ्स क्लास 8 के लिए है बच्चों। ये रैशनल नंबर हमने पढ़ा है अब तक। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं जरूर देखे। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे? वो नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाए और क्यू यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एडिशन के बारे में हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर का एडिशन है और सबट्रैक्शन हम ये पढ़ने जा रहे हैं। रैशनल नंबर को हम p by q के रूप में व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं, ये सारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इफ टू और मोर रैशनल नंबर हैव सेम डिनोमिनेशन, अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर हैं, अगर उनका सेम डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे की संख्या होती है उसको बोलते हैं, तो हम आराम से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट और या एड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं ये लिखा क्या है। कि क्या 8 को 8 by 1 लिख सकते हैं? यस। 6 को 6 by 1 लिख सकते हैं? यस। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 8 plus 6 तो होता है 14, हमें पता है। तो क्या 8 by 1 और 6 by 1 भी यही होता है? तो यस, 8 हम देख रहे हैं कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, 1 है, और 8 और 6 न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 by 1। 14 हो या 14 by 1 सेम होता है। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को ऐसे ही एक बार लिख दिया जाए। सिंपल है, कोई एडिशन की जरूरत नहीं है। और माइनस करना है तो अगर 8 बाय 1 में से 6 बाय 1 माइनस करेंगे तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 में से 6 माइनस कर देंगे, क्या आएगा बच्चों? 8 में से 6 माइनस हुआ 2 आ गया, तो आंसर क्या आएगा? 2 बाय 1। तो 2 बाय 1 और 2 बिल्कुल सेम होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। शीला है, उसका बर्थडे है, ठीक है? आपका भी बर्थडे आता होगा तो बताइएगा बर्थडे आपका कब आता है, डेट ऑफ बर्थ या महीने का नाम भी बता दीजिए। तो शीला का बर्थडे है, शीला जो पूरा एक केक है उसके 8 पार्ट करती है, 8 इक्वल पार्ट। मैथमेटिकली चलना आपको बच्चों, बिल्कुल बराबर इक्वल पार्ट है। इक्वल पार्ट आप कर सकते हैं, कोई भी एक सर्कुलर बनाइए, बैंगल या किसी चीज की मदद से सर्कल बनाइए, उसके 8 बिल्कुल इक्वल पार्ट कीजिए। तो उसमें से 1/8 पार्ट जो केक का है शीला गेव टू हर मदर, एंड 2/8 पार्ट यानी 8 का 8 पार्ट में से एक पार्ट, एक पीस यानी 1/8 वो अपनी मम्मा को देती है, और 2 पीस 8 पीस में से 2 पीस वो अपने पापा को देती है, ठीक है? तो इस तरह से बनेगा। देखिए ये 8 पार्ट है, क्योंकि एक पीस मम्मा को दिया तो एक पीस को इन्होंने कलर कर दिया है। इसको लिखेंगे कैसे? 1/8। 1/8 का मतलब 8 का 1 हिस्सा दे दिया गया है, ठीक? वैसे पापा को 2 हिस्से दिए हैं तो 8 का 2 हिस्सा दे दिया गया है। तो टोटल कितने हिस्से शीला ने दिए हैं? दोनों को ऐड कर देंगे, हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है, 8 और 8 सेम है ना बच्चों, न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है इनके, 8 है, 8 लिख देंगे तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। 1 + 2 कितना होता है? 1 + 2 होता है 3, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब कि पूरा जो सर्कल है, केक है, जिसके 8 हिस्से थे उसमें से 3 पार्ट जो है दिए जा चुके हैं, और तीनों को यानी कि हम कलर कर देंगे, तीनों को पार्ट को कलर कर दिया गया है, और उसको लिखेंगे 3/8। अच्छा, 3/8 पार्ट यानी शीला दे चुकी है मम्मी को और पापा को, तो बचा कितना होगा? तो चलिए इसको भी देखते हैं कि शीला के पास पूरा केक है, ये पूरा केक था यानी 8/8 पूरा हिस्सा था, है ना? 8/8 मतलब 8 हिस्से के, और 8 के 8 शीला के पास थे, उसमें से 3/8 यानी 3/8 का मतलब है 3 हिस्से 8 में से वो खिला चुकी है, तो माइनस होगा ना, तो कितना बचे का हिस्सा बताइए? 8 हिस्से में से 3 हिस्से माइनस हो चुके हैं, 3 पार्ट, तो 5 पार्ट बच गया ना ये। और इसको अगर हम ऐसे लिखें बटे में अपॉन में तो कैसे होगा? 8/8 माइनस 3/8 इक्वल टू 8 में से 3 गया 5, 5/8 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि रीता है, उसने एक चॉकलेट लिया, उसके 10 इक्वल पार्ट किए, देखिए 10 इक्वल पार्ट है, उसमें 2 पीस जो है श्याम को दिए तो यानी 2/10 हो गया, 3 पीस मीना को दिए 3/10 हो गया, तो टोटल कितने पीस दिए होंगे बच्चों? टोटल हो गया क्योंकि 10 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है इनका, डिनोमिनेटर सेम है तो हम नीचे लिख देंगे 10 प्लस होगा ना, टोटल कितने पीस दिए गए, और न्यूमिनेटर हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, 5/10 हिस्सा जो है कलर किया जाएगा। तो चलिए 5/10 हिस्सा हम कलर कर देते हैं,
ये तो काफी मोटे वाला कलर हो गया, लाइट वाला ही लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो 5x10 आप कलर कर दीजिए आराम से, या शेड करना है आपको, ये 5 पार्ट को हमने कलर कर दिया। क्लियर हो गया? अब 5 पार्ट तो खिला चुकी है, टोटल कितने पार्ट पीस थे बताइए? 10 पीसेस थे ना चॉकलेट के, तो अब बचा कितना रीता के पास? तो हम लेके चलते हैं फिर से कि रीता के पास 10 पीस थे, यानी 10x10 थे, उसमें से 5x10 वो दे चुकी है, यानी माइनस होगा। न्यूमरेटर सेम है तो हम यहाँ न्यूमरेटर लिख देंगे 10, और सॉरी डिनोमिनेटर, मुंह से बार बार वही निकल रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। अब 10 में से 5 किया कितना आएगा न्यूमरेटर में? 5 आएगा, यानी 5x10 आ गया। सीधी सी बात है कि एक चॉकलेट जिसके 10 पीस थे उसमें से 5 पीस जा चुके हैं, तो बचे कितने पीस उसके पास? हम ग्रीन से शेड करते हैं उसको, उसके पास बचेंगे 5 पीस। तो कोई भी 5 पीस को आप शेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी को शेड करें, क्योंकि आप पूरा शेड करेंगे अच्छे से। इस तरह से ये 5x10 पीस बचेंगे। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1, ये देखिए ट्रायंगल है, इसके कितने इक्वल ट्रायंगल है, छोटे छोटे इक्वल वाले, 1, 2, 3, 4, और उसमें 2 को कलर किया हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 2/4। माइनस का सिंबल है, और इसके भी 4 ट्रायंगल और 1 को कलर कर रखा है, यानी 2/4 में से 1/4 माइनस करना है, यही है ना बच्चों? 2/4 में से 1/4 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर को यूं उतार देंगे, 2 में से 1 गया 1, यानी 1 हिस्से को आपको कलर करना है, 2 हिस्से कलर थे उसमें से 1 हिस्सा हट गया, तो 1 हिस्सा बच गया, कोई सा भी एक हिस्सा आप कलर कर सकते हैं। तो 2/4 में से 1/4 माइनस होगा तो आएगा 1/4। ठीक वैसे ही, ये तो माइनस का था, प्लस का देखते हैं। ये है 4/5, यानी 5 में से 4 से कलर है, 3/5, 5 में से 3 से कलर है, टोटल कितने कलर हुए? तो हम देख रहे हैं कि 5 न्यूमरेटर हो गया, 4 और 3 हो गया 7, तो ऊपर वाला तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि 5 हिस्से तो पूरे कलर है, इसका मतलब है ना 7/5 का मतलब कि 5 हिस्से तो पूरे कलर हैं, तो इन 5ों को तो हम पूरा कलर कर देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे कलर है ये, इसको आप पूरा कलर कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कोई स्पेस मत छोड़ना आप लोग। और उसके अलावा 2 हिस्से और कलर है, तभी तो टोटल 7 हिस्से होंगे ना, तो इसको बोलते हैं बच्चों 7/5। क्लियर हो गया? समझ में आया? वेरी गुड, समझ में आ गया तो होशियार बच्चे हैं सारे, वैसे भी काफी कुछ ऑब्जर्व भी करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो जो है क्लियर नजर नहीं आ रही। वीडियो क्लियर है, क्वालिटी सही है। आप लोग अगर जिसकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, वो वीडियो पे जाए, 3 डॉट पे क्लिक करें, वहां पे वीडियो क्वालिटी होता है, वहां पे 720 आप उसको ऑप्शन को ले लीजिए, 720 या और मैक्सिमम हो तो, और उस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर आएगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप बताइएगा जरूर कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय बच्चों।